गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। फ्रेंड्स, आज मैं एक हिडन कैमरा से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक भी तो कुछ ऐसा ही है। जब हम लोग काफी बड़े डेटा पे काम करते हैं, जहां पर एक ही रिकॉर्ड्स के या एक ही डेटा के मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे एक कस्टमर्स का मल्टीपल रिकॉर्ड, एक एम्प्लॉय के मल्टीपल रिकॉर्ड्स, एक रीजन के मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसमें से लास्ट रिकॉर्ड को ढूंढ के उनके अगेंस्ट में कुछ डेटा लाना पड़ता है। अब उसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से देखूं डेटा में तो नहीं समझ में आता, बिकॉज एक डेटा के मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे डायनेमिक फॉर्मूला से कैसे हम एक डेटा के जो लास्ट रिकॉर्ड है उनका डिटेल्स हम फेच कर सकते हैं। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर मैंने कस्टमर का डेटा लिया हुआ है और उनके अगेंस्ट में कुछ प्रोडक्ट्स लिया हुआ है। मतलब एक कस्टमर मल्टीपल बार प्रोडक्ट खरीदता है और उनका डेटा यहां पर रिकॉर्ड होते हैं। लेट अस सी, अखिल ने फर्स्ट टाइम शर्ट लिया। सेकेंड टाइम अखिल का डेटा अगर यहां पर है तो क्या लिया है, एलईडी टीवी। अब आप देख रहे हो मुझे ढूंढना पड़ रहा है, हो सकता है अखिल बीच में भी होगा बट दिख नहीं रहे। सो यूजिंग एन अमेजिंग फॉर्मूला हमें क्या करना है, हर एक कस्टमर के जो लास्ट प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया था, वी हैव टू फेच दैट प्रोडक्ट। लेट अस सी कि किस तरह से एक अमेजिंग एरे फॉर्मूला के थ्रू, एक डायनेमिक फॉर्मूला के थ्रू वी कैन गेट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा में जहां जहां भी अखिल आ रहे हैं उनको मुझे चेक करना पड़ेगा। आई वांटेड टू गेट द पोजीशन। लेट अस सी, सो इक्वल्स टू इफ दिस इज, लेट अस फिक्स द डेटा इक्वल्स टू दिस वन। So, let us see, एक बार इसको इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। नाउ दिस इज कमिंग एज फॉल्स 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 फॉल्स, तरह से बीच बीच में ट्रू आ रहा है। मतलब जितने बार भी अखिल आ रहे उनके केस में ये ट्रू आ रहे, बाकी में वो फॉल्स आ रहे। नाउ जहां पर भी वो ट्रू आ रहा है, आई वॉन्टेड टू गेट द रो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। सो लेट अस अगेन सिलेक्ट दिस एंड आई विल फिक्स दिस ब्रैकेट क्लोज। और अगर वो ट्रू नहीं है, इन केस ऑफ फॉल्स आई कैन गो विथ नल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। लेट अस सी आ क्या रहा है यहां पर। सो इफ 9, सो आई एम गेटिंग फिफ्थ रो 28 रो। सो यहां पर फिफ्थ रो में है, उसके बाद वी हैव 28 रो, उसके बाद है 50th रो। अब मेरे पास ये नंबर्स आ गया, मुझे क्या करना है, इसमें से सबसे जो हाइएस्ट नंबर है विच इज 90 इन दिस एग्जाम्पल, मतलब लास्ट रिकॉर्ड जो अखिल के हैं वो 90th रो में है। सो व्हाट आई विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एरे। लेट अस सी, सो मैं जाऊंगा यहां पर और कर दूंगा मैक्स ब्रैकेट क्लोज। लेट अस सी व्हाट आई एम गेटिंग, F9, वाओ, आई एम गेटिंग 90। सो 90 आ गया मेरा रो नंबर। I wanted to fetch the data from this position. So there is an amazing function which can fetch the data based upon any position. That is an index function. So मुझे क्या करना है, using index function I wanted to fetch the product, because मुझे customer नहीं चाहिए, customer तो already हमारे पास है, customer का जो last product है that I wanted to get. So I'll go with this index. Now it's asking for the array. Let us see. So I'll select this one, fix. So अब यहां पर मुझे क्या करना है, this is showing the row number. अब row number तो मेरे पास 90 आ गया, but 90 का data नहीं चाहिए, because I have selected this range. एक चीज ध्यान से देखिएगा, so अगर मैं row function की बात करूं तो ये जो यहां पर अखिल आ रहे, this is in fifth row, but index में जब मैं pass कराऊंगा तो ये fifth ना होके ये third होगा, because I have selected the range from this cell. So 1, 2, 3, मतलब रो फंक्शन इज गिविंग मी द फिफ्थ रो, बट इंडेक्स को यूज करने के लिए मुझे थर्ड रो करना पड़ेगा। तो थर्ड रो कैसे होंगे, आई कैन गेट द रो नंबर ऑफ दिस माइनस, लेट अस सपोज इन दिस वन आई कैन टेक द रो नंबर ऑफ दिस वन, मींस इसके रो नंबर, सो आई कैन गो विथ 2 ऑल्सो। सो 5 - 2 = 3, but I'll make it dynamic. Let us take it as
row of this one. Let us fix. Now, so this will give us, let us F9. So, अब ये 88 row में होगा as per the range selected in the index function, जो यहां पर मैंने select किया. Perfect. So, bracket close, control shift, enter. Wow. Let us drag this. Now, I am getting the data. Let us verify. Now, for Ravi, it's showing power bank. अब मैं नीचे से ढूंढने की कोशिश करता हूं. Ravi, manually देख रहा हूं. Ravi. Yes. Power bank. Perfect. Let us evaluate for Sachin. So, let us see Sachin. ऐसे भी हम ढूंढ सकते हैं और we can directly use filter. Let us see. So, let us filter Sachin. Sachin के एक ही data है and that is book. Perfect. Let us go with the Pallavi. Pallavi के last है pen. Awesome. So, देखा आपने कैसे एक amazing और dynamic formula को use करके we have fix the last record for each customers. Awesome. So friends, I hope you enjoyed the streak and I'm sure you are going to implement the streak in your offices. Agar aapko ye tutorial acha laga to like karna na bhule and please share this video with all of your friends and colleagues. Now you can download this file from the link given in the description box. Friends, very important. Agar abhi tak aapne hamare YouTube channel ko subscribe nahi kiya hai, to please subscribe this channel and please share this channel with all of your friends and colleagues. जब आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हैं, तो इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता रहता है और मैं और अच्छे-अच्छे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं. So thank you. Till then, take care. Bye and have a good day.